स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 14 ऑफ योर योगा। आज हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार को इंग्लिश में सन सैल्यूटेशन भी बोलते हैं। सन यानी कि सूरज जो होता है वो हमारे प्लैनेट में रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये सूर्य नमस्कार हम सनराइज या सनसेट के टाइम पे करें तो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सूर्य नमस्कार में क्या होता है। सूर्य नमस्कार में हम 8 डिफरेंट पोजेस पे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले यू विल स्टैंड स्ट्रेट और मैट, आपके पैर इतने पास में होंगे, हाथ नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे। मेक श्योर आपका हेड स्ट्रेट हो, बैक स्ट्रेट हो, जो आपका वेट है आपके दोनों पैरों में इक्वली है और बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक पे ज़्यादा वेट हो रहा है और एक में कम। दिस इज कॉल्ड एज समस्थिति। पहले सांस अंदर लेंगे, अपने हाथ आगे लेके जाएंगे, जोड़ें और आप चेस्ट के सामने अपने नमस्कार मुद्रा में हाथ ऐसे लेके आएंगे। एंड नाउ लीव योर ब्रेथ, इनहेल अगेन, नाउ मूव बैक, हाथ ऊपर ले जाते हुए। सर आप ऐसे कर्व करेंगे अपने बैक, सर भी पीछे की तरफ झुकाने की कोशिश करेंगे जितना आप झुका सकते हैं। ट्राई टू बेंड योर बॉडी फ्रॉम दिस पार्ट, कमर की तरफ से, एंड सर को और पीछे करना है। प्लीज मेक श्योर कि आपकी नीज बेंड नहीं हो रहे हैं इसमें। आसन को हस्त उत्थासन बोला जाता है। यू विल मूव योर बॉडी अहेड वाइल एक्सहेलिंग नीचे। बेंड योर बैक फ्रॉम हियर। कोशिश करिए कि आपके पाम जमीन में टच हो ऐसे। अगर नहीं हो रहे हैं तो जहाँ तक भी आपके हाथ पहुँच रहे हैं वहाँ तक कोशिश करिए। एंड विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डू दिस। मेक श्योर आप अपने नीज बेंड नहीं कर रहे हैं एंड जितना भी हो सके अपनी अपर बॉडी को लोअर बॉडी से टच कराने की कोशिश करेंगे आप। पाद हस्त आसन बोलते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोस्चर। इनहेल, एक पैर आप पीछे करेंगे एंड सर ऊपर ऐसे। योर नी विल बी रेस्टिंग ऑन द मैट और उसको सीधे पैर आप रखेंगे इन दिस पोजिशन। दिस हैज टू बी इन एन एंगल लाइक 90 degrees, मतलब स्ट्रेट। यहाँ पे आपके पैर और दोनों हाथ एक ही लाइन पे पड़ने चाहिए। ऐसा नहीं होगा हाथ आगे होंगे। इट्स कॉल्ड एज द अश्व संचालन आसन। द नेक्स्ट पोज यू विल एक्सहेल और ये पैर पीछे लेके जाएंगे आप। एंड इस पोजीशन में यू विल मेंटेन योर बॉडी फॉर सम टाइम। ऐसे आपके एंगल पे बॉडी होनी चाहिए। आसन बोलते हैं। ब्रीथ नॉर्मली इन दिस पोजीशन फॉर सम टाइम। उसके बाद आप अपने नीज बेंड करेंगे, अपना चेस्ट टच करेंगे एंड अपना फोरहेड टच करेंगे। दिस पार्ट विल नॉट टच योर योगा मैट। फीट लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड एज साष्टांग नमस्कार आसन। नाउ फॉर द नेक्स्ट पोस्चर यू विल इनहेल एंड अपनी बॉडी आप पीछे से रेस्ट पे लाएंगे। And upper body you will lift up with your shoulders and with the help of your hands. पैर आपके इस पोजिशन में, मतलब सोल ऊपर की तरफ होनी चाहिए। आसन हमने इंडिविजुअली भी प्रैक्टिस किया है। दिस इज कॉल्ड एज भुजंग आसन। फॉर द नेक्स्ट पोस्चर आप अपने टोज ऐसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे एंड यू विल लिफ्ट योर बॉडी एंड फाउंड अ माउंटेन लाइक दिस। द माउंटेन पोज जो हमने पहले भी प्रैक्टिस किया है। स्टे लाइक दिस फॉर सम टाइम। जितना हो सके आप अपने हील्स को जमीन में टच करेंगे। ये आसन को पर्वतासन बोलते हैं, हमने जो पहले भी प्रैक्टिस किया है। फॉर द नेक्स्ट पोस्चर आप अपने पैर फोल्ड करेंगे, नीज नीचे, एक नी आगे, एक रेस्टिंग, एक इन एंगल ऑफ 90 degree एंड सर ऊपर। फॉर द नेक्स्ट पोस्चर पैर आप आगे लाएंगे लाइक द इनिशियल पोजिशन, हाथ नीचे,
स्टे लाइक दिस फॉर सम टाइम, इनहेल एंड गो अप। वेस्ट से आप अपनी बॉडी ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच एट द बैक लाइक दिस जो हमने शुरू में किया था, एंड आगे आप फिर एक्सहेल करते हुए प्रणाम आसन और नमस्ते इन द फ्रंट करेंगे। नाउ रिपीट दिस आसन, बिगिन विद एटलीस्ट 10 टाइम्स अ डे, या तो मॉर्निंग या सनसेट से पहले, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू।